ओमवीर कोई हल्का आदमी भी नहीं है, मेरी हाँ बात मानो। हाँ इसलिए कि उसके पास जो भी है वो अच्छी तरीके से सही है, देखो मेरी और बात सुनो, और हाँ मेरी, इतना है अरे यार उसको, तुम अपने सुनो पहले, अपनी घमंड है उसको। कोई बात नहीं, मेरे को घमंड है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, उसका क्या रह जाएगा यार। तो हाँ, वो तो मेरी बात बात है। हाँ सुनो, अगर वो बड़ा है तो अपने घर के लिए बड़ा है, सनातन धर्म के, धर्म में गाली देने के लिए वो बड़ा नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा हाँ अगर सनातन धर्म के बारे में कुछ एक बात बताओ तुम यार, तुम चलो कोई बात नहीं, तुमने अपनी मन की कह दी, आज तक तुमने ये देखा कि किसी मेरे शास्त्री भाई ने या चैतन्य भाई ने ये बोला हो कि बौद्ध बौद्ध गलत थे या अंबेडकर गलत थे या किसी महात्मा के बारे में किसी की बुराई की, किसी भी धर्म की बता दी थी मुझे आज, किसी भागवत आपने सुनी अरे होगी, किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं। हाँ तो भैया हमें ये बताओ, हम लोगों ने अरे ऐसी यार कौन मैं सी, ज्यादा बड़ी बात क्यों बताऊं, ब्रजेश जी ने वो नहीं निकाला था, क्या वो दो कैसेटे निकाली उनकी, वो भीमराव अंबेडकर की अरे निकाली, यूट्यूब बिल्कुल पे देखा हो तुमने, हाँ ब्रजेश जी ने दो कैसेटे निकाली, इसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया, अपने हिंदू समाज की कथा कहने लगे थे, तो तो ऐसा उन्होंने थोड़ी भी नहीं, तो रुक जाओ एक निकाली मिनट, नहीं। मतलब वक्ता का मतलब ये है कि वो ये थोड़ी नहीं है कि मतलब उसके किसी की कथा गा दी तो उसी में जुड़ गया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। नहीं 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 यार, कैसे तो उन्होंने भरी थी, कैसेट भर दी, ठीक अगर है। जो एक मिनट रुक जाओ, ये जो मूवीज बनती है इसमें विलेन का रोल लेता है एक्टर, तो क्या वो विलेन हो जाता है ये बताइए। विलयक हो जाए या ना हो जाए, मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो अनुज भाई, जो गाली उसने तो दे दी एक बार, हाँ हम आपसे अब भी बोले आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने चलो एक चलो बार मेरी बात गाली सुनो, अब मेरी दी, बात सुनो, अब अपने तुम वही मुंह से उसी मुंह कोई से बात ये नहीं, एक मिनट हजार रुको, बार कह रहे कोई बात हो। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं कहेंगे ठीक है। देखो अब चलो उसने जो क्लिप डाल दिया, अच्छा किया, मैं उससे बात कर लूंगा, वो क्लिप हटवा दूंगा ठीक है। जो क्लिप पड़ गई है ना, जो दो तीन क्लिप पड़ी हुई हैं, वो अपशब्द बोले जा रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, भैया ये क्लिप हटा लो। अगर उन्होंने क्लिप हटा ली ना, तो मैं उन्हें गाली देना तो बहुत दूर, मैं उनका सम्मान करूंगा। अरे यार तुम गाली दोगे, हम तो ये जानते, तुम गाली दोगे वो रिकॉर्डिंग कर रहे, वो फिर तुम्हारी डालेंगे, वो धमकियां दे रहे हैं, फिर वो तुमको गाली देंगे, फिर तुम ये सिस्टम करोगे, तो इसमें विवाद बढ़ता ही रहेगा या घटता रहेगा, कुछ भी तो देखो होगा ही। मगर एक तो देखिए मिल मेरी जाना बात यार, सुनो मैं तो यही जानता हूँ, सब लोग अपनी सेटिंग बनाओ, ठीक, भाई सेटिंग साहब, बना के मेरी बात और सुनो, इस डायरेक्ट दिल फिर पे, पे। मेरी बात सुनो यार, कलयुग आ रहा है यार, ये हो क्या रहा है, ये लोग सबको मतलब विवाद में साले अपना तो खुद गिर रहे हैं, दूसरों को भी डाल रहे हैं ठीक है, खुद अरे कुएं में वो जा रहे हैं, बात, दूसरों को भी खींच के लिए जा रहे हैं, कोई बात अरे नहीं। यार मैं वो बात नहीं अरे कह रहा मैं हूँ, बस बस मैं बात एक आदमी को घेरने के लिए अपन तुम अगर 50 आदमी हो जाओगे तो घेर नहीं सकते हो, बिल्कुल घेर लेंगे, क्यों नहीं गिरेगा। तो फिर मैं वो बात कह रहा हूँ कि किसी आदमी ने अगर गलती की है, आप माफी मंगवाना चाहते हो, ठीक, तो कम से कम उसे किसी में फांसो तो अपने में, चलो ठीक वैसी है भाई, जेल में कोई कोई फांसोगे, बात नहीं है, मैं अभी उसका फोन लगा रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, क्या चाहता है वो ठीक है, ठीक। आप गाली दोगे वो रिकॉर्डिंग करेगा, वो यूट्यूब पे डलवाएगा, डलवा ठीक, दे, मुझे कोई तो टेंशन नहीं है अरे यार तुमको टेंशन नहीं, अहिरन को कभी टेंशन होती ही नहीं है, बिल्कुल। अहिरों को कभी टेंशन नहीं होती है, एक दो भी 4 बीघा बिछ भी जाएगी कोई हेडिंग नहीं रहेगी। अच्छा तो इसका इसका मतलब आप, मतलब आप भी कह रहे हैं कि अहिरों को कोई टेंशन नहीं, यार आप अरे क्यों यार झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे क्या कह रहा कोई हूं, बात नहीं, मैं अभी उसका फोन लगा रहा हूँ, उसी से बात करूंगा, बस क्षमा कीजिए भाई, अगर आप नीतू यादव बोल रहे हैं तो आपके लिए सॉरी, मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकलाओ मुझे क्षमा करना, अगर नीतू यादव नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, मैं उसका कॉल कर रहा हूँ, बस उसी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ठीक है। अरे उससे तो तुम कर रहे हो, नहीं मेरी नहीं बात नहीं मैं कर रही ना हूँ, अभी लगा रहा हूँ उसका नंबर, उससे बात करूंगा मैं। तो कोई बात नहीं, आप गालियां दोगे उसको तो नहीं देते नहीं हो, नहीं मुझे तो गाली नहीं कोई देंगे फर्क बड़े, थोड़ी पड़ता है, आप क्षमा, गालियां दोगे तो वो जी, हमने आपको अपने नहीं, बिरादरी भैया मान लो या कुछ अरे भी, यार भाई क्या मान लो, बात कर रहे, मित्र मान यादव लो, जी होकर इस प्रकार से बात करेगा, यादव क्या बात कर रहे तुम यार, ऐसी घिसी तुम पिटी यार बातें कर कोई रहे भी हो बात, यार, अरे यार तुमने बात को समझा नहीं भाई साहब, बस मैंने समझ लिया, मैं उसी का कॉल लगा रहा हूँ, क्षमा कीजिए, मैं मैं फोन काट रहा हूँ, उसका फोन लगा रहा हूँ ओके। एक बार नहीं 1 लाख बार आपसे बोल रहा हूँ कि जिसको जिसने एक बार तुमको गाली दे दी, और क्षमा अब तुम यादव जी, अपने ही यादव जी, मुंह से यादव उनको जी, 4 बार उसी माँ को कह रहे हो मेरी बेसिया है, मेरी रंडी है, मेरी ये वो, मैं तो काट के अब डाल तुम दूंगा जब कहने मुझे वाले को, समझ रहे गाली हो, जीव काट दूंगा सारे की, तुम नहीं, समझ गया रहे हो अरे यार।
जब अपने मुंह से अपने को अरे गाली चुप दोगे हो जाओ देखने यार, को देवताओं को देोगे तो मुंह अपने से मुंह लिए से यार, मरोगे। तो मतलब कहलवाना ये चाह रहे हो कि आप क्यों कह रहे हो वो बकता बकने दीजिए? कहने का मतलब अरे आपका ये है हम बुजदिल बने उसकी बैठे ऐसी रहे, की तैसी हम जो बुजदिल बने हमारे बैठे माँ रहे, को इसका गाली मतलब ये देना है? नहीं, वो कोई उसकी मेरी इमेज बात है। सुनो, कोई हमारी माँ को गाली देता रहे, भगवान को गाली देता रहे, और हम सर छुपाकर चूड़ियां पहन के बैठे रहे, इसका मतलब ये है तुम्हारा? मेरी तुम बात फिर भी नहीं समझे, बस हम वो तुम्हारी बात कोई समझ गए, क्षमा कीजिए भाई साहब, नीतू यादव बोला तो बार बार सॉरी आपके लिए, और मैं इसी का कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं राइट। तो दोस्तों आप ये रिकॉर्डिंग सुन के समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से ओमबीर बौद्ध अपने आप को नीतू यादव बताकर हमें चूतिया बना रहा है।